तो IPL आ चुका है और यही सबसे बेस्ट टाइम है एक बिजनेस चालू करने का। तो अब मैं तुम्हें IPL के रिलेटेड कुछ साइड हसल्स बताऊंगा, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो हमारा सबसे पहला साइड हसल है Instagram थीम पेज। तो सबसे पहले तुम लोगों को जाना होगा Instagram पे। Instagram पे जाने के बाद तुम्हें वहाँ पे एक IPL के रिलेटेड पेज बनाना होगा। उसके बाद तुम लोग YouTube पे जाओगे और वहाँ पे IPL के रिलेटेड क्लिप्स ढूंढोगे। अब तुम लोग YouTube पे भी जा सकते हो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से तुम्हें IPL के क्लिप्स मिल सकते हैं। एक बार वो क्लिप्स मिलने के बाद तुम उन्हें एडिट कर सकते हो और फिर उन्हीं क्लिप्स को तुम लोग एडिट करके अपने Instagram पेज पे पोस्ट करना चालू करोगे। तुम लोग चाहो तो दूसरे लोगों से भी वीडियोस डाल सकते हो और तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे फॉलोअर्स जल्दी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर IPL ट्रेंड में है तो तुम्हारे स्पोर्ट्स के रील्स, IPL के रील्स 100% वायरल होंगे और जैसे ही तुम्हारे रील्स वायरल होंगे तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो तुम्हारे पास स्पॉन्सर्स आएंगे। स्पॉन्सर्स यानी कि कुछ कंपनीज रहेगी जो तुम्हारे रील्स पे पेड प्रमोशन करवाएगी। तुम लोग पेड प्रमोशन से हर रील पे पैसे कमा सकते हो। लाइक लिटरली तुम लोगों ने बस एक इंस्टाग्राम पेज चालू किया और फ्री में वीडियोस डाले और उससे तुम्हें पेड प्रमोशन मिल जाएगी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि क्या वो अगर तुम्हारा पेज वायरल नहीं हुआ, समझो तुम लोगों के पेज पे सिर्फ और सिर्फ 1000 या 2000 फॉलोअर्स तक ही आए, तो कुछ नहीं, तुम लोग सीधा उस पेज को बेच सकते हो। अब इंस्टाग्राम पे पेज कैसे बेचने वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन अगर मैं कहूँ तो इंस्टाग्राम थीम पेज वाला बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है और तुम्हें बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें जीरो एफर्ट्स लगते हैं और तुम लोगों के पास अगर एक इंस्टाग्राम पेज होगा साइड पे जो तुम्हारे ऑडियंस रहेगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारे फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। बस ये याद रखना कि तुम लोगों को हर रोज कम से कम 3 से 4 रील डालनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा पेज वायरल हो और बहुत सारे कंपनीज तुम्हें पैसा देगी पेड प्रमोशन के लिए। तो ये तो हो गया इंस्टाग्राम थीम पेज। अब हम लोग चलते हैं दूसरे बिजनेस की तरफ और वो है, सबको मालूम है, ड्रॉप शिपिंग। तो तुम लोग सोच रहे हो कि यार IPL में क्या ड्रॉप शिपिंग करेंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम लोग जाओगे मीशो पे और वहाँ पे तुम लोग क्रिकेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स ढूंढने लगोगे। एक बार अगर तुम लोगों को क्रिकेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल गए फिर तुम लोगों को एक वेबसाइट बनानी होगी और वेबसाइट तुम लोग शॉपिफाई से 20 रुपीज के अंदर अंदर बना सकते हो और फिर तुम उस प्रोडक्ट को दो तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हो, या तो तुम लोग फेसबुक एड्स चला सकते हो या फिर तुम लोग अपने इंस्टाग्राम रील्स यानी कि इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक पे वीडियोस बना के उसको वायरल करा सकते हो। अगर तुम लोगों को फेसबुक एड से अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कराना है तो सबसे पहले तुम्हें उसका एक अच्छा वीडियो चाहिएगा। तो मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि वो प्रोडक्ट को जल्दी से अपने घर पे मंगा लेना और उसका एक वीडियो बना देना और फिर तुम लोग उसे फेसबुक एड्स पे चला सकते हो और तुम्हें बहुत सारी सेल्स आएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग क्रिकेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स IPL के टाइम पे बेचोगे तो उनके बिकने के चांस ज्यादा है और वहीं पे अगर तुम्हारे को फेसबुक एड्स नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक करना है, तो तुम लोगों को उस प्रोडक्ट के हर रोज कम से कम 3 से 4 रील अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करने होंगे और फिर बस जैसे जैसे तुम्हारे रील्स वायरल होगी लोग तुम्हारे वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से प्रोडक्ट परचेस करेंगे और फिर तुम लोग उन्हें तुम सारे प्रोडक्ट्स मीशो से कस्टमर्स के पास में शिप करा सकते हो। अब अगर तुम लोगों को ड्रॉप शिपिंग इंडिया और इंटरनेशनल दोनों में करना है तो अब देखो अगर तुम लोगों को इंडियन ड्रॉप शिपिंग और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो तुम्हें चाहिए विनिंग प्रोडक्ट्स और ये विनिंग प्रोडक्ट्स तुम लोग ढूंढोगे माइनिया से। यहाँ पर तुम लोग अपने वर्ल्ड वाइड कंपेटिटर्स के एड्स देख सकते हो और इवन इनकी एनालिसिस भी देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले तुम्हें माइनिया पे जाना होगा और यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। एक बार तुम लोगों ने अकाउंट बना दिया फिर तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडिंग और पॉपुलर प्रोडक्ट्स के एड्स हैं और इवन इन एड के लाइक्स शेयर सब कितने हैं वो तक बताया गया है। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो तुम्हें फेसबुक एड्स दिखेंगे, पिंटरेस्ट एड दिखेंगे और टिकटॉक एड्स दिखेंगे। इन एड्स की पूरी की पूरी एनालिटिक्स जैसे कि टारगेट ऑडियंस, उनका जेंडर, उनकी एज, वो सब इन एड के अंदर दिखाया जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोग इस पे प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करोगे। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ ऊपर एड्स में जाना होगा और एड्स के बाद तुम्हें जो प्लेटफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एड्स दिख जाएंगे। जैसे कि अब मेरे को अगर फेसबुक के एड्स ढूंढने तो यहाँ पर मैं फेसबुक पे आ चुका हूँ और जैसे कि तुम लोग साइड में देख सकते हो यहाँ पर हमें बहुत सारे फिल्टर्स भी है जैसे कि लाइक्स, कमेंट, शेयर, रिएक्शन। मैंने 1000 से लेकर 10,000 के लाइक्स के बीच में एड का फिल्टर लगाया और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे उस सारे एड्स दिख गए जिनके लाइक्स 1000 से लेकर 10,000 के बीच में है। इन फिर भी अभी हमें यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो उसके लिए तुम लोगों को कोई कीवर्ड डालना होगा जो ई कॉमर्स के रिलेटेड होगा जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी। और अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी यानी कि जो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स है वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब हम लोग एक प्रोडक्ट को चूज करते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या एनालिटिक्स है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो हमें एक हेलीकॉप्टर टाइप प्रोडक्ट दिख रहा है तो मैं इस पे एक बार क्लिक करता हूँ। तो हम जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हमें यहाँ पे पूरे ये एड की डिस्क्रिप्शन वगैरह मिल गई है और अगर हम लोग इनकी टारगेट ऑडियंस देखते हैं तो 30 से लेकर 40 तक ये एज के बीच में ये लोग टारगेट कर रहे हैं और वही नहीं बल्कि यहाँ पर तुम लोगों को उनकी वेबसाइट की लिंक तक दिख रही है
इवन यहाँ पर मुझे फाइन सप्लायर से यानी कि मेरे को इनका ज़ेनरॉक पे और अली एक्सप्रेस पे भी सप्लायर मिल जाएगा। और माइनिया के प्लान्स भी काफी अफोर्डेबल है, और अगर तुम लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो चिराग 20 तो तुम्हें 3 मंथ्स के लिए 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी जाओ माइनिया पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ड्रॉप शिपिंग के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं तुम्हें एक मजेदार बिजनेस के बारे में बताता हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट फ्लिपिंग। ये बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क है लेकिन इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने मेरे पिछले कोई वीडियो में मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट 5,000 रुपीज के लिए खरीदा था और उसे 13,000 रुपीज में रीसेल किया था, यानी कि मुझे 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। वेल यही है इंस्टाग्राम अकाउंट सेलिंग। तो अब तुम लोग इस बिजनेस को IPL में कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले तुम लोगों को एक IPL वैलिडेटेड इंस्टाग्राम पेज ढूंढना होगा जिस पर 1,000 से लेकर 2,000 फॉलोअर्स होंगे। फिर तुम लोगों को कम से कम 20 से 30 ऐसे अकाउंट ढूंढने होंगे और उन्हें मैसेज करना होगा कि आई वॉन्ट टू बाय अ पेज, व्हाट इज द प्राइस। सिंपल। अब हो सकता है तुम्हें 30 पेजेस में से 10 भी नहीं आए, लेकिन अगर तुम्हें एक या दो तीन लोग आते हैं जो तुम्हें एक प्राइस ऑफर करते हैं, फिर तुम उससे थोड़ा नेगोशिएट करना, और अगर तुम्हें कोई प्राइस आ जाती है तो फिर तुम्हें उन्हें पेमेंट करना होगा, और फिर वो तुम्हें पासवर्ड देंगे, और फिर तुम उनके अकाउंट में लॉगिन करोगे, और फिर वहाँ पे कुछ सेटिंग्स होगी जो तुम्हें ध्यान रखना होगा, और उसके बाद में वो अकाउंट तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम लोग तो समझते ही नहीं हो, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग 60,000 सब्सक्राइबर्स के पास में पहुंचे, लेकिन तुम करते ही नहीं हो। तुम्हारी वजह से बार बार मुझे ये सब पूरा ड्रेस पहनना पड़ता है, इवन ये टाई। तो मुझे नहीं पता यार, सब्सक्राइब करो, हमें 60,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी पहुंचना है, और फिर तुम लोगों को अकाउंट को ग्रो करना होगा। तुम लोग उसमें कंटिन्यूस 4 से 5 रील हर रोज डालना ताकि वो अकाउंट जो ग्रो हुआ पाए वो और ग्रो हो और तुम इसे आगे बेच सको, वो भी हायर प्राइस में। अब आगे जाके मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें पता पड़ जाएगा कि अगर जो इंस्टाग्राम पेज का एडमिन है जिससे तुम लोग पेज खरीद रहे हो वो सच में रियल है, या हो सकता है कि वो तुम्हारे पैसे ले ले और वापिस से तुम्हें पासवर्ड ना दे। अब ये जो ट्रिक है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अब बारी है हमारे तीसरे बिजनेस की, रीसेलिंग। अब देखो ये बिजनेस में तुम लोग थोड़ा सा साइड इनकम कमा सकते हो, इसमें इतना प्रॉफिट नहीं जितना तुम सोचते हो, लेकिन ये काफी इजी है। तो सबसे पहले तुम लोगों को जाना होगा मीशो पे, और वहां पे तुम्हें लिटरली जितना हो सके इतने सस्ते क्रिकेट के प्रोडक्ट्स देखने होंगे। तुम लोग क्रिकेट के प्रोडक्ट्स देख सकते हो, IPL जर्सी देख सकते हो, बहुत कुछ। एक बार तुम लोगों ने कुछ IPL रिलेटेड प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए, एक बार जब वो प्रोडक्ट तुम्हारे घर पर आ जाएगा तुम लोग उसकी फोटोज लोगे, उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करोगे, और तुम लोग ONX पे उसे लिस्ट करोगे, क्योंकि IPL ऑलरेडी इतने ट्रेंड में रहेगा, लोगों को IPL प्रोडक्ट्स का क्रेज रहेगा, तो तुम्हें बहुत सारे इंक्वायरीज आएगी, और फिर तुम लोग वहां से तुम्हारे जो भी मीशो से सस्ते प्रोडक्ट्स लिए तुम लोग OLX पे थोड़ा हायर प्राइस में सेल कर। अब एक और तरीका है जिसमें तुम लोगों को प्रोडक्ट मंगाने की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए तुम लोग यूज करोगे WhatsApp। तो सबसे पहले तुम लोगों को अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स का एक WhatsApp ग्रुप बनाना होगा, फिर तुम लोग मीशो पे जाओगे, वहां से IPL रिलेटेड प्रोडक्ट्स की फोटोज दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे, और फिर वो WhatsApp ग्रुप में डालोगे। तो समझो अगर कोई मेरा रिलेटिव है उसको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकता है, और फिर मैं उसको मीशो के थ्रू प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकता हूँ, यानी कि मैं मीशो में अपना मार्जिन ऐड करूंगा और फिर वो प्रोडक्ट मेरे रिलेटिव के पास जाएगा। अब हो सकता है तुम लोगों को ऐसा लगे कि यार क्या बेचना है, रिलेटिव्स है, ये सब है। देखो मैं ये कहूंगा, अगर तुम लोग सच में कोशिश कर रहे हो पैसे कमाने की तो इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि तुम लोग तुम्हारे कस्टमर्स को जानोगे तो तुम लोगों का ट्रस्ट भी बना रहेगा। तो अब मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज बताता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक ईबुक बनाई है, हाउ टू मेक मनी इन IPL। अगर तुम लोग मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो तुम्हें वहां पे एक ईबुक दिखेगी। इस ईबुक में मैंने तुम्हें 6 डिफरेंट IPL के बिजनेस समझाए हैं, और मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप दी है जो इंस्टाग्राम अकाउंट रीसेलिंग है, यानी कि उसमें पता पड़ जाता है कि जो अकाउंट का IPL है वो सच में हमारे पैसे लेकर हमें पासवर्ड दे देगा, या फिर वो हमें पासवर्ड देगा ही नहीं और स्कैम कर देगा। तो उस चीज को भी कैसे सॉल्व करना है उसकी ट्रिक ये ईबुक में है। और अगर तुम लोगों को फ्री ड्रॉप शिपिंग गाइड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे जहाँ पे मैं तुम्हें इंस्टाग्राम और ई कॉमर्स के बारे में भी सिखाता हूँ, तो तुम लोग वो भी एक बार चेक कर देना। तो अब बारी है हमारे लास्ट बिजनेस की, ये बिजनेस है मर्चेंडाइज का, यानी कि उसे प्रिंट ऑन डिमांड या फिर तुम लोग कोई स्पेशलाइज यानी कि पर्सनलाइज प्रोडक्ट भी बना सकते हो। सबसे पहले तुम लोगों को जाना होगा एक इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट पे। अब देखो ऐसे बहुत सारी साइट्स है जैसे कि प्रिंट रो, ब्लिंक स्टोर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है। तो मर्चेंडाइज का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को खुद से डिजाइन बनानी होगी। याद रखना इसमें थोड़ा सा कॉपीराइट
इश्यूज आता है तो मैं तो यही बोलूंगा, जितना हो सके उतना टीम के लोगोज यूज मत करना, उनकी फेसेस यूज मत करना। फेसेस अगर यूज करना है तो उसे एज अ कार्टून में कन्वर्ट करो, ताकि मतलब वो लगना नहीं चाहिए, मेन यही चीज। और अगर तुम लोगों को डिजाइन के आइडियाज चाहिए तो तुम लोग पिंटरेस्ट वगैरह वहां जाके तुम लोग ढूंढ सकते हो। एक बार जब तुम्हें डिजाइन मिल जाएगी, तुम लोग गूगल पे जाके टी शर्ट मॉकअप सर्च करोगे, वहां पे तुम्हें कुछ वेबसाइट्स मिलेगी जहां पे तुम लोगों को एक टी शर्ट का फोटो दिखाया जाएगा, और फिर तुम वहां पे अपना डिजाइन डालोगे और तुम्हें उस टी शर्ट पे अपना डिजाइन का एक इमेज मिल जाएगा। फिर तुम वो इमेज अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वैसे भेज सकते हो, या फिर तुम चाहो तो एक इंस्टाग्राम पेज खोल सकते हो। मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि इंस्टाग्राम पेज नहीं खोलना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि आईपीएल से 3 महीने का ही रहता है और ऐसे बिजनेस को बढ़ाने का बहुत टाइम लगता है इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक में। अगर तुम फेसबुक ऐड में करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, हाँ ये बिजनेस काफी अच्छा है। मैं यही कहूंगा तुम्हें, अगर और बिजनेसेस के बारे में जानना है तो तुम लोग मेरी ई बुक चेकआउट कर सकते हो, और अगर तुम लोगों को एक फ्री ड्रॉप शिपिंग गाइड चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक, वहां पे तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी और वहां से तुम लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो।